कोई आपसे पूछे कि क्या एक ही कुकर में एक साथ चार चार डिश बनाई जा सकती है, या कोई पूछे कि किसी ट्रैक्टर को मालगाड़ी बनाया जा सकता है, कोई आपसे पूछे कि क्या किसी डिब्बे को कूलर में बदला जा सकता है, या कुकर पर तंदूरी रोटी सेकी जा सकती है, तो आपका जवाब क्या होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन हमारे इंडिया में ये सब कुछ मुमकिन है। यही समझाने के लिए हम आपके लिए लाए हैं इंडियन जुगाड़ के ऐसे ऐसे वीडियोस, जिनमें किए गए जुगाड़ देखकर आपको भारतीय होने पर गर्व होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इंडियन जुगाड़ सीरीज का पार्ट 6। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। आए हाय, ओए होए, एक तो चाहत फतेह अली खान की ये कारस्तानी, ऊपर से ये चिलचिलाती गर्मी, उफ, जीना मुहाल हो रखा है। इसी गर्मी से निजात पाने के लिए इस भैया जी ने प्लास्टिक के इस खाली डिब्बे को फर्राटेदार कूलर में बदल डाला। मजे की बात यह है कि इस पोर्टेबल कूलर को कभी भी कहीं भी ले जाया जा सकता है। वा, 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 वा। यहाँ तो ये बंदा अपने पीछे टेबल फैन को ही बांधकर घूम रहा है। वो चलते चलते अपना सारा काम कर रहा है। उसे अब गर्मी की जरा भी टेंशन नहीं हो रही। भारतीय जुगाड़ ऐसे ऐसे जुगाड़ कर लेते हैं कि बड़े बड़े इंजीनियर सोच में पड़ जाते हैं। यहाँ ये बंदा घोड़े बेचकर सो रहा है। रूम को चिल करने के लिए इसने कूलर को फ्रिज का दरवाजा खोलकर फ्रिज के आगे कर दिया। यहाँ तो इन भैया जी ने जुगाड़ की हद ही पार कर दी। कूलर के नीचे पहिए फिट करके ये चलता फिरता कूलर बना डाला। क्यों रह गए ना हैरान? अजीब, भारत ऐसे ही चांद पर नहीं पहुंचा, यहाँ गली गली में वैज्ञानिक भरे पड़े हैं। क्या बात है? जल है तो कल है। जल बचाने का ये जुगाड़ आपका दिल जीत लेगा। यहाँ एसी से निकले पानी को टोंटी लगाकर स्टोर किया जा रहा है। This is a very unique way of collecting the AC water in a very smart, beautiful and controlled manner where you can store 100 liters of AC water in a pipe. There's an overflow and there's a tap. This is a very important message for where we have lot of water shortage. अब इस पानी का इस्तेमाल बागबानी, पोंछा आदि लगाने में किया जा सकता है। दोस्तों, इस जुगाड़ को हर घर में अपनाने की जरूरत है ताकि पानी की बर्बादी रोकी जा सके। इस कमाल के आइडिया के लिए अभी ठोकिए लाइक। यहाँ इस कूलर पर स्टूल को उल्टा रखकर गेहूं साफ करने की निंजा टेक्निक तैयार की गई है। जैसे जैसे कूलर चल रहा है, वैसे वैसे उसके वाइब्रेशन से स्टूल के छेद से गेहूं गिरते जा रहे हैं। इसके बाद कूलर की हवा से कचरा उड़ जाता है और गेहूं साफ हो जाते हैं। वाह! दोस्तों, एसी लगवाना सबके बस की बात नहीं, लेकिन इस जुगाड़ से कोई भी अपने घर पर अफोर्डेबल एसी तैयार कर सकता है। यहाँ इस बंदे ने टब में ईंटें रखकर उसके चारों तरफ पाइप लगा दिया है। अब जब इस पाइप से ईंटों पर पानी गिरता है तो पीछे रखे टेबल फैन से कमरे में ठंडी हवा चलने लगती है। क्यों, है ना कमाल का जुगाड़? यहाँ इस ऑटो वाले भैया ने अपने पैसेंजर को गर्मी से बचाने का फुल टुस बंदोबस्त किया है। इसने अपनी ऑटो के ऊपर घास डालकर उसमें पानी देने का इंतजाम कर दिया है। इसमें ऑटो में बैठने के बाद पैसेंजर को गर्मी से जूझना नहीं पड़ता। इसी तरह इस ऑटो वाले भैया ने अपनी ऑटो के आगे एक पाइप लगा दिया है। इस पाइप का साइंस समझने वाले ऑटो रिक्शा वाले को इंजीनियर कहने से नहीं चुकेंगे। Oh my God! Wow! टाटा नेक्सॉन की इस महंगी ईवी कार का जरा साइड मिरर तो देखिए। दरअसल भैया जी की कार का साइड मिरर टूट गया तो इन्होंने ये मेकअप मिरर फिक्स करके अपना काम निकाल लिया। आनंद महिंद्रा जी, ये टैलेंट इंडिया से बाहर नहीं जाना चाहिए। टॉप मॉडल कारों की स्टेयरिंग में ही म्यूजिक कंट्रोल सिस्टम होता है और ये बेस मॉडल में नहीं होते, लेकिन इस बंदे ने अपनी बेस मॉडल कार की स्टेयरिंग पर स्मार्ट वॉच लगाकर उसे टॉप मॉडल में बदल दिया। अब तो इस वॉच की मदद से गानों को चेंज कर करके सुन रहा है। यहाँ इन दोस्तों ने अपनी पिकअप वैन को ही पूल बना दिया और अब उसमें तैर कर पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। ये वाला जुगाड़ तो बड़े बड़े इंजीनियर्स के दिमाग की बत्ती जलाने के लिए काफी है। इस बंदे ने अपनी कार में मशीन लगाकर गन्ने का जूस निकालने वाला सेटअप बना डाला। अच्छा, बहुत अच्छा आइडिया। अब देखिए जुगाड़ का अल्ट्रा मैक्स वर्जन, जिसमें पार्किंग की जगह कम होने के चलते
इस बंदे ने जुगाड़ लगाकर स्टेयर्स के नीचे ही पार्किंग स्पेस बना डाला कि देखने वाले हक्के बक्के रह गए। खास बात यह है कि इस स्पेस में न सिर्फ गाड़ी पार्क होती है बल्कि वो कवर भी हो जाती है, वो भी इस तरह की कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता कि यहाँ कोई कार पार्क भी की गई है। क्या बात कर रहा है? इस मोपेड मालिक ने खराब हो चुकी हेडलाइट की जगह मोमबत्ती जलाकर उसके आगे एक शीशा लटका दिया ताकि हवा अंदर ना जा सके। अब चाहे जितनी तेज मोपेड चलाओ बत्ती नहीं बुझेगी। भैया जी का ये जुगाड़ तो दिमाग की बत्ती भी जला देने वाला है। अब जरा इस तेजस्वी इंसान को भी देख लीजिए जिसने साइकिल की टायर को खाना खाने की टेबल बना लिया है। भाई जी पहिया घुमा घुमा कर डिश का टेस्ट ले रहे हैं। क्या बात है सर। लेडी संगीत के इस प्रोग्राम में जुगाड़बाजों ने ऐसा टैलेंट दिखाया कि सब वाह वाह कर उठे। दरअसल यहाँ डीजे वाले बाबू ने लेट नाइट डीजे बजाने से मना कर दिया, जिसके बाद जुगाड़बाजों ने ओला स्कूटर को ही डीजे बना डाला। इस 2-in-1 चूल्हा बनाने वाले के दिमाग की दाद देनी पड़ेगी क्योंकि इसमें खाना बनाते बनाते पानी भी गर्म किया जा सकता है, यानी एक पंत और दो काज। चूल्हे के साथ ऐसा जुगाड़ शायद ही किसी ने पहले किया होगा। पानी डालो इधर से, बिल्कुल गर्म पानी, आपको देखो स्टीम निकल रहा है इस पानी में से, और साथ में आप मक्की की रोटी यहाँ पे बना सकते हैं चूल्हे पे। वाह वाह वाह, मक्की की रोटी बनाओ, सब्जी बनाओ, चाय, दाल, चावल, कुछ भी बनाओ, बहुत ही नजारे हैं। चने से डंठल अलग करने का ये जुगाड़ नया नहीं है, हमारी दादी नानी इसे खूब इस्तेमाल किया करती थी, लेकिन सोशल मीडिया जनरेशन के लिए ये नई बात होगी। जुगाड़ के मामले में हमारे किसान भाई भी किसी से पीछे नहीं है। इन्होंने चारा काटने जैसे मुश्किल काम को इस जुगाड़ से आसान बना दिया। इस जुगाड़ के दो फायदे हैं। पहला ये कि इससे चारा काटने से मेहनत कम लगेगी। दूसरी ये कि बिना जिम जाए ही पैरों की अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाएगी। बस बनाने की ये टेक्नोलॉजी भारत से बाहर नहीं जानी चाहिए। ये तो कुछ भी नहीं, अगला जुगाड़ देखकर तो आपका सिर ही चकरा जाएगा। कैसे तो लीजिए, खुद ही देख लीजिए। क्यों बच्चू, आ गया ना चक्कर? अगर इस घर में चोर आ जाए और इस अलमारी को खोल ले तो 100% तय है कि वो डिप्रेशन में ही चला जाएगा। यहाँ तो इस जुगाड़बाजों ने हद ही कर दी, अपने जुगाड़ से ऐसी गाड़ी बना डाली कि एलन मस्क भी देख ले तो भारत में टेस्ला कार लॉन्च करने का प्लान बदल डाले। ये मैं 7-सीटर बना दे, धूप से चलती है गाड़ी, 200 किलोमीटर से ज्यादा जा सकती, इसकी लागत जो है 8-10 हज़ार रुपए के करीब आई है, और कबाड़े से लेके बनाया। लगता है आलस के मामले में ये आदमी कुंभकर्ण को भी पीछे छोड़ देगा। झूठे बर्तन ना धोने पड़े इसके लिए इतना दिमाग लगा लिया, कहां से आते हैं ये तेजस्वी लोग। अब आपको दिखाते हैं स्टूडेंट की खाना बनाने की ये निंजा टेक्निक। ये अपनी मेहनत बचाने के लिए एक ही कुकर में एक साथ 3-3 डिशेस बनाने का हुनर रखते हैं। देखिए यहाँ चावल, चोखा और दाल तीनों एक ही कुकर में एक साथ तैयार किया गया है। वाह! ये दीदी तो स्टूडेंट से भी तेज निकली, जो एक साथ 5-5 पूरियां बेल रही है। लो जी तैयार है, कम मेहनत में एकदम गोल गोल और फूली फूली पूड़ियां। ये हुई ना बात। इस महिला के पति का तंदूरी रोटी खाने का मन था, ऐसे में इस महिला ने ये जुगाड़ निकाला। उसने रोटियां बेलकर कुकर के अंदर चिपका दी और उसे उल्टा कर दिया। वाह जी वाह, इस जुगाड़ ने बड़े बड़े शेफ को शर्मिंदा कर दिया। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। इसी तरह इस शख्स ने तो कुकर को आयरन ही बना डाला। कपड़े प्रेस करने के उसके इस देसी जुगाड़ को देखकर लोग कह रहे हैं कि कुकर की शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ ये महिला लोहे के टब में अब गंदे कपड़े और साबुन डालती है, उसके बाद ऊपर से साइकिल रख देती है। साइकिल का पैडल घुमाने पर वॉशिंग मशीन की तरह काम करने लगता है। महिला के इस देसी जुगाड़ को देखकर वॉशिंग मशीन कंपनियां हैरान है। आपने भी ऐसी साइकिल पहली बार देखी होगी जिसके हैंडल के पास पैडल लगे हैं। सरदार जी ने इस साइकिल को लेट कर चलाने में कामयाबी पा ली। वाह पाजी, तुसी ग्रेट हो। वाह क्या सीन है। यहाँ इस लड़के ने चावल के बोरे में छेद करके
उसने बॉटल को काट कर डाल दिया। अब जब भी उसे चावल निकालना होता है तो वो इस ढक्कन को खोल कर निकाल लेता है और फिर ढक्कन बंद कर देता है। ऐसा किफायती और शानदार जुगाड़ कहाँ देखने को मिलता है भला। इस बंदे ने पानी की टोंटी में चाबी वाला लॉक लगवा दिया। अब ये चाबी घुमाकर उससे पानी भर सकता है, फिर चाबी को फिर से घुमाकर उसे बंद कर सकता है। अच्छा है, बहुत अच्छा आइडिया। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि इस भैया जी के मोबाइल की टच स्क्रीन टूट चुकी है, जिसके बाद भैया जी जुगाड़ लगाकर टाइप सी कनेक्टर से मोबाइल में एक माउस जोड़ लेते हैं और फिर से फोन चलाने लगते हैं। क्या बात कर रहा है? ये टेक्नोलॉजी भारत से बाहर नहीं जानी चाहिए। क्या आपने किसी को बिना इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के तरबूज का जूस निकालते देखा है? अगर नहीं तो इस भारतीय बुजुर्ग महिला का ये वीडियो जरूर देखिए। ये यूनिक जुगाड़ आपका दिल ही जीत लेगा। आपको ये टेक्निक कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपका टू व्हीलर पंचर हो जाए तो इस जुगाड़ से उसे पंचर की दुकान तक ले जाया जा सकता है। हम सब लोग 2024 में जी रहे हैं, लेकिन इस महिला को देखकर लग रहा है कि ये हमसे एक सदी आगे चल रही है। आमतौर पर औरतें झुककर झाड़ू लगाती है, लेकिन शायद इन चच्ची के कमर में दर्द हो, तभी तो उन्होंने होवरबोर्ड पर बैठकर झाड़ू लगाने का ये जुगाड़ लगाया है। आपने ऐसा अनोखा टॉयलेट शायद ही पहले कभी देखा होगा। इसकी खासियत इसका स्कूटर वाला लुक नहीं बल्कि इसका फ्लश सिस्टम है, जो रेस देते ही शुरू हो जाता है। इस यूनिक टॉयलेट को देखकर लोग कह रहे हैं कि ऐसा आविष्कार करने वालों को 21 तोपों की सलामी दी जाए। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। इस बंदे ने ऑफिस में काम करते करते झपकी लेने का ये कमाल जुगाड़ निकाला है। किसी को क्या ही पता चले कि भाई जी काम कर रहे हैं कि सुस्ता रहे हैं। बरसात के दिनों में टू व्हीलर्स के लिए समस्या रहती ही है। ज्यादा पानी में चलाया तो साइलेंसर में पानी जाने का डर रहता है, जिससे गाड़ी बंद हो जाती है। इस डर को दूर करने के लिए इन लड़कों ने साइलेंसर और पेट्रोल की टंकी को यूं ऊपर कर दिया। अब तो न साइलेंसर में पानी जाएगा और न ही उसकी गाड़ी बंद होगी। चाहे बाढ़ ही क्यों ना आ जाए, गाड़ी चलती ही जाएगी, चलती ही जाएगी। जय हो जुगाड़बाजों की। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आपको सबसे कूल जुगाड़ कौन सा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द ही मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।